हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिहारी बॉय। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ बिहारी बॉय और अभी बात करेंगे हम लोग मनीष कश्यप के ऊपर, क्योंकि ये बंदा पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे आने वाले टाइम का बिहार का नेक्स्ट केजरीवाल जी हैं। क्योंकि इनकी करनी धरनी जिस हिसाब से है ना, एक केजरीवाल ही बनेंगे। क्योंकि अभी ये एक ही चीज़ कर रहे हैं, हमारे मनोज भैया जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी इसी दुनिया में अभी बिजी हैं, क्योंकि ये अलग लेवल का फ्रॉड कर रहे हैं। दो चार वीडियो तक मैंने सोचा कि अरे हमारे बिहार में एक ऐसा नेता आएगा निकल के जो ग्राउंड लेवल से आएगा, लंबा लंबा फेंकता था कि मैं कोई भी नेता आ जाएगा या कोई भी पार्टी आ जाए मैं जाके शामिल नहीं हूँगा, ये कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा, मैं गरीबों का हेल्प करूँगा, मैं गरीबों का ये करूँगा वो करूँगा। नहीं मालूम इनको क्या हो गया, एक मनोज भैया आए आप पलट गए। ऊपर से अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं स्वाभिमान से नहीं लड़ता अपना, अगर मैं बोला हूँ तो करूँगा। अब मुझे जाके एक चीज़ समझ में आया कि ये आदमी को करना कुछ नहीं, ये आदमी को बनना है बड़ा इंसान, और इसको चाहिए मतलब एक बड़ा सा पार्टी में ज्वाइनिंग हो के, इसको लोगों का हेल्प नहीं करना। अब मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ये एक तरह से इसको नेता बनना है, और नेता बन के वही डायलॉग बाजी करना है, काम धंधा कुछ करना नहीं है। क्योंकि जो अपने स्वाभिमान से, जो इंसान अपने स्वाभिमान से गिर के बीजेपी में शामिल हो जाता है, अब वहीं के पार्टी की बात करना स्टार्ट कर देता है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो उसके दोस्त उसके लिए एनी टाइम खड़ा रहा, उसको उसने धोखा दिया, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आज के बाद इसको कोई सन ऑफ बिहार नहीं बोलेगा। पहला नंबर तो ये सन और बिहार का काम ही नहीं किया है। देखिए, बीजेपी में शामिल हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें ना आपको। बीजेपी में तब शामिल होता या तो चुनाव लड़ के शामिल होता तो एक बात होती, क्योंकि चुनाव इसने लड़ा, अब पब्लिक की सपोर्ट लिया, बीजेपी डर गया कि ये कहीं जीत ना जाए, तो बीजेपी इसको जाके हटा दी, तो अब क्यों हट जाएंगे? आपका स्वाभिमान कहाँ गया? आपका स्टेटमेंट कहाँ गया? क्योंकि आपको लोग तो जानते थे स्टेटमेंट के लिए। देखिए, यहाँ पे हम एक बात बताते हैं, यहाँ पे बीजेपी की अपनी पब्लिक है, सबकी अपनी अपनी पब्लिक है, मगर आपका जो पब्लिक है ना वो आज टूट चुका है। आपने जो कमाया था, आपने बीजेपी को लोग को नहीं कमाया था, आपने अपना पब्लिक कमाया था, जो कि आज टूट चुका है, आज बढ़ चुका है आपके वजह से, आप जैसे लोगों के वजह से। बिहार में आज भी लोग विश्वास नहीं कर पाते किसी पे। नेक्स्ट टाइम कोई युवा उठे, आप मुझे बताइए एक एग्जाम्पल, कोई नेक्स्ट टाइम युवा उठेगा निर्दलीय, क्या लोग उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। वहीं से ना हमारे पवन सिंह उठे हैं, किए अपने स्वाभिमान से? नहीं किए। मगर इस बंदा का अभी आप चेहरा देखिएगा, ऐसे लग रहा है ना मतलब भीख मांग के बीजेपी शामिल हुआ ये बंदा, वो उसका बोल्ड अवतार ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब पार्टी ज्वाइन करने के बाद बोल्ड क्यों नहीं अभी भी अपने स्टेटमेंट को लेके? क्यों पार्टी ज्वाइन करने के बाद आप तो फिर वो अब भी तो वही बन गए, केजरीवाल बन गए। फिर आप में तेजस्वी जी में क्या अंतर है? जब तेजस्वी को ये वो बोलते रहते हैं, कुछ अंतर नहीं है। मगर दिक्कत क्या है ना कि हमारे देश में ऐसे पत्रकार, ऐसे मनीष कश्यप जब से लोग आते हैं और लोगों का भरोसा तोड़ते हैं, गरीब जनता का भरोसा तोड़ते हैं और निकल जाते हैं पैसा कमाने के लिए पार्टी में। आप नेक्स्ट टाइम चुनाव लड़िएगा तो पब्लिक के सामने क्या मुंह लेके जाइएगा? जो बच्चा, जो इंसान, जो इन्फ्लुएंसर आपके लिए दिन रात वीडियो बना के सपोर्ट किया, आपको क्या, उसको क्या जवाब देंगे? आपको जब बीजेपी शामिल होना था तो एक बार आके लाइव आके लोगों से राय तो लेते हैं। ऐसे तो आप दो दो मिनट में राय ले लेते हैं, दो दो मिनट में सपोर्ट चाहिए आपको, इतना बड़ा स्टेटमेंट के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। कल के डेट में चुनाव लड़ेंगे तो गाँव गाँव घूम के बोलेंगे अरे हमको सपोर्ट चाहिए। आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको चाहिए फैन बेस, आपको चाहिए शोहरत। कल तक हम भी आपको, आपके लिए खड़ा रहते थे और सोचते थे कि नहीं आदमी ऐसा नहीं है, मगर आपकी एक कदम की वजह से ना आप लोगों की नज़र से गिर चुके हैं, कभी उठेंगे नहीं। आप भी वही नेता बन गए हैं जो केजरीवाल जी, आप में केजरीवाल जी में आज के टाइम में कोई अंतर नहीं है। वो भी पलटू राम है, आप भी पलटू राम है, तो दूसरे को बोलने से पहले अपने अंदर झांकिए, झांक के नेता बनिए। अगर नेता बनना है तो वही नेता बनिए जो पहले आप थे, क्योंकि आप में हम लोग देखते थे एक नेता, नहीं देखते थे अपना भाई जैसा देखते थे, मगर आप वो नहीं हैं। बाकी आपकी क्या राय पब्लिक की आप कमेंट में जरूर रखें। ऐसे लोग जो आ रहे हैं पत्रकार बोल के निर्दलीय चुनाव लड़ के बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या राय जरूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।